बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरे से होंगे। मोहम्मद अब्दुस्सलाम रूरल टू अर्बन चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में लेके आया हूँ आज की जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से एक वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पुराने वक्तों में लोग दिया जलाकर, बट्टी का तेल जलाकर रातों को रोशनी करते थे, ठीक है, और उन्हें टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन कैसे हम लोग पुराने वक्तों को पीछे छोड़ा और कैसे हम टेक्नोलॉजी में एंटर हो गए, कैसे हम टेक्नोलॉजी हमारे अंदर जो है जज्ब होकर रह गई, हमें खुद भी इसका आइडिया नहीं हुआ। तो इसी टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए आज का जो सबसे बड़ा मसला है वो है बिजली, और वो भी महंगी बिजली और लोड शेडिंग का हल। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज के महंगाई के, इंतहाई महंगाई के दौर में उसका बेहतरीन हल। उसके लिए जो आजकल सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसके काफी सारे सोर्सेज हैं, जैसा कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है वो सूर्य से लेते हैं, और जो सोलर एनर्जी है वो हम चांद से लेते हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं हुई क्योंकि उसकी रिसर्च जारी है। लेकिन जो कंफर्मेशन है जो आजकल कंटिन्यू है, जो आजकल यूज में आ रही है, एक तो है सोलर एनर्जी और दूसरा है विंड एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी को हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करके उसको हम हासिल करते हैं, और जो विंड एनर्जी है उसके लिए विंड टर्बाइन इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो वो है सोलर एनर्जी के हवाले से। सोलर एनर्जी के जो है ना वो पैनल हम हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है कि कैसे उसने उसको हैंडल करना है, कैसे उसने उसको मैनेज करके हमारे लोड को चलाना है। तो उसके लिए जो वो ड्राइवर यूज होता है उसको हम ड्राइवर को बोलते हैं इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टर का काम ये होता है कि वो सूरज से रोशनी लेता है पैनल्स के जरिए डीसी करंट, और डीसी करंट जो है वो इन्वर्टर के थ्रू फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इन्वर्टर वो उसको कंट्रोल करके हमारा जो लोड है उसको भी मैनेज करता है, हमारे घरों को रोशन भी करता है। तो आइए हम आज उसी एक ड्राइवर की यानी के इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर। तो सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूं। ये जो आज का हमारा इन्वर्टर है जिसके हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो प्राइमैक्स सोलर एनर्जी है, उसका ये मॉडल है। इसका मॉडल का नाम है PV7200, यानी कि हम इसके साथ डीसी वाट जो है 7200 अटैच कर सकते हैं, और इसकी जो आउटपुट है वो 27 एम्पेयर है, और ये 6200 वाट कंप्लीट लोड जो है बर्दाश्त करता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है ये बगैर बैटरीज के भी वर्क करता है। कुछ इन्वर्टर्स होते हैं कि उनके साथ बैटरी का लगाना लाजमी होता है, लेकिन इनके साथ आप देख सकते हैं कि आप जब इस्तेमाल करेंगे आप इसको बगैर बैटरी के भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जरा इसको ओपन कर लूँ, आप इसकी डाटा शीट स्क्रीन पर देखें। आइए आपके सामने डाटा शीट जो शो हो रही है, ये आप इस पर सारा जो है आप अपना देख सकते हैं कि कितना इसको हम सोलर लगा सकते हैं, कितनी इसकी आउटपुट है, कितनी इनपुट है। 220 वोल्ट ये आउटपुट देता है, 230 भी देता है, और 210 पे भी ये वर्क करता है जैसे हम सेटिंग कर लेंगे। तो इन्वर्टर को अनबॉक्स करता हूँ। हम इसको अनबॉक्स करने लगे हैं तो इसके लिए मुझे खड़े होना पड़ेगा ताकि आपको मैं अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और आपको इसके बारे में अच्छे से समझा सकूँ इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इसमें फंक्शन है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसको हम ओपन करने लगे हैं, और ये हमने इसको ओपन किया, ये देखें कितनी सेटिस्फिकेशन मिली है इसको ओपन करके, ये देखें। तो जैसा कि हमने इसको अनबॉक्स कर लिया तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो निकला है वो है इसका वारंटी कार्ड। इसकी 2 साल की जो है सर्विस वारंटी है और 3 साल की पार्ट्स की वारंटी है, ठीक है। तो ये आप इसके जहाँ भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ भी इसकी लैब है, आप कहीं से भी इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी मैनुअल है, इसकी सेटिंग, इसके कनेक्शन, इसके जो स्ट्रिंग्स का कनेक्शन है वो सब इसमें लिखा होता है, ठीक है। तो ये अब हम इन्वर्टर मॉडल है PV6200 है, मतलब इसकी 6200 आउटपुट है और PV7200 इसके साथ हम 7200 वाट सोलर पैनल जो है 7200 वाट के सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं।
यानी कि हम 12 से 14 सोलर पैनल को डबल स्ट्रिंग में इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, वाईफाई पे आप जहां चाहें ऑनलाइन जहां पर भी बैठ के आप इसको ऑनलाइन कर लें एक दफा, उसके बाद आप इसको जहां पर मर्जी बैठकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर किस कंडीशन में है, किस हालत में है। तो इसके साथ अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑप्शन है इसमें अर्थ का भी ऑप्शन है, इसमें कॉमन का भी ऑप्शन है। अगर अब आपने लिथियम बैटरी लगानी है या ड्राई सेल लगाने है, उसके साथ जो है RBS मिलती है, मतलब बैटरी वाली जो होती है बैटरी सिस्टम मैनेजमेंट जो है BMS, वो केबल भी इसमें हम अटैच कर सकते हैं। इसमें हम AC इनपुट है जो वो दे सकते हैं। और इसमें सबसे मजे की बात है कि डुअल आउटपुट है, एक हैवी लोड की और एक स्मार्ट लोड की। अब इसका मकसद क्या है, जो स्मार्ट लोड होता है वो होता है हमारा UPS का लोड, जैसे कि लाइटें पंखे वगैरह, ठीक है। और जो हैवी लोड है उसमें आ जाता है फ्रिज AC मोटर इस तरह की इस्त्री ओवन लाइक ये सब चीजें। तो इसका फंक्शन ये है कि इसमें एक सेटिंग आती है कि हम चाहते हैं कि भाई जब लाइट हो तब हमारा सारा लोड चले, लेकिन जब लाइट ना हो या सोलर ना हो तो जब बैटरी का लेवल हम एक लेवल सेट कर देते हैं, मसलन के 45 वोल्ट पे हमारी बैटरी का लेवल है, तो हम कमांड देते हैं इन्वर्टर को कि यहाँ पे आकर हमारा हैवी लोड बंद कर दे, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन है कि जब बैटरी का लेवल उस लेवल पे पहुंचता है, मतलब कि 45 पे मिसाल के तौर पे हमने सेट किया है, तो इसका जो हैवी लोड है वो बंद हो जाता है, सिर्फ पंखे लाइटें चलती हैं। तो जैसे ही लाइट या सोलर आती है फिर ये सारा लोड ऑन कर देता है। और इसके साथ जो है ये देखें PV के ऑप्शन है, ये बैटरी का ऑप्शन है, प्लस माइनस का डुअल फैन है, और इसके ये जो है साइडों पे भी फैन लगे हुए हैं। तो इसकी जो कीमत है वो भी बहुत मुनासिब है और बहुत अच्छा ब्रांड है इसकी। जो आज तक हमने जितने भी सिस्टम लगाए हैं इनकी कोई कंप्लेन अभी तक नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपके सामने खड़ा करने लगा हूँ, ये हमारा ड्राइवर है जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सबसे खासियत है वो ये है कि ये एक तो स्लिम है, इसकी जो बॉडी शेप है वो बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। और इसकी जो है सर्विस, इनकी जो इस कंपनी की जो सर्विस है वो बहुत क्विक है, विद इन 1 to 2 weeks ये आपको, अगर खुदा ना खास्ता कोई कंप्लेन आती है तो ये आपको 1 से 2 हफ्तों मैक्सिमम 2 हफ्ते में आपको कंप्लेन क्लियर करके देंगे, ठीक है। और ये हमारी थी आज की वीडियो। इसका मॉडल है PV7262 इसकी आउटपुट है। ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि प्राइमैक्स सोलर एनर्जी का इन्वर्टर था, PV7262 आउटपुट इसकी 27 एम्पीयर थी। तो अल्लाह हाफिज़ करने से पहले सबसे पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। मोहम्मद अब्बास रूरल टू अर्बन, अल्लाह हाफिज़।